और गाइस आज जो वीडियोस आने वाले हैं वो काफी इंफॉर्मेटिव हैं और थोड़ा सा अपग्रेडेड है हमारे पिछले वीडियोस के मुकाबले। ओके सो अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अर्थ के ऊपर अब कुछ वो टॉप क्लास इन्फॉर्मेशन डिजाइन की गई है जिसको अगर हम जान जाएं तो हमारा नॉलेज है वो और हमारे नॉलेज का जो हराइजन है वो और बढ़ जाएगा। ओके सो उसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है इक्वेटर, कि इक्वेटर क्या है। ओके सो इक्वेटर एक काल्पनिक लाइन है। ओके हमने इस अर्थ के ऊपर ऐसी रेखाएं खींच दी है बिल्कुल बीचों बीच से। ओके जब हम ग्लोब के ऐसे पकड़ रहे हैं ओके और हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बीचों बीच ऐसे खींच दी है, ये देख रहे हो बीचों बीच से, और वो यहाँ पे है मैप में रेड कलर की है ये स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन यही जो बीच में लाइन है ना, इसको जहाँ से बीचों बीच से काटा गया होगा उसको ऐसा स्ट्रेट कर दिया है, तो वो स्ट्रेट दिखने में क्योंकि मैप स्ट्रेट है। अगर इसको हकीकत में और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताना होगा गाइस, तो ये देखो इस बॉल में अगर ये व्हाइट कलर का निशान दिखाई दे रहा है चौक का, तो आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट कलर की जो लाइन है ना, यही लाइन इक्वेटर है। अब अगर सोचो जरा, अगर इस इक्वेटर को नजरिए अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखें, अगर मैं इसको बीचों बीच से यहाँ से काट दूं तो ये चीज ऐसी ऊपर आ जाएगी और ये आधी नीचे चली जाएगी। ओके बिल्कुल कुछ ऐसा हो जाएगा इसका शेप। ओके ये देखिए ये है, अगर मैं वो इक्वेटर वाली लाइन है ये देखो जहां से मैंने इस रबर बॉल को कट किया है, और अगर मैं देखूंगा तो एक चीज ऐसी ऊपर आ गई है और एक चीज ये नीचे आ गई है। तो ये जो इक्वेटर वाली लाइन है वो क्या कर रही है मालूम है, वो इस अर्थ को ना, वो इस अर्थ को, अर्थ एक स्पीयर है, इसको शेप है, थ्री डायमेंशनल शेप है, वो स्पीयर है, और जब कोई स्पीयर आधा होता है तो उसको हेमिस्फीयर कहते हैं, ये आपको मैथ्स में भी आएगा। सो जब हम इस इक्वेटर लाइन को देख रहे हैं तो ये अर्थ ऑटोमेटिकली टू हेमिस्फीयर पर डिवाइड हो जा रहा है, देखो दो हेमिस्फीयर में। तो जो ऊपर है, जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है ओके, यानी ये जो लाइन है, ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, देखो इसको स्ट्रेट करके देख रहे हैं, इसके जो ऊपर है ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और जो नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ओके आप देख सकते हैं अब ये नॉर्थ अमेरिका क्यों है और ये साउथ अमेरिका क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके यहाँ पे भी ओशियंस में आप देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन लिखा है, साउथ पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है और ये इक्वेटर के नीचे है। सो इक्वेटर क्या कर रहा है और इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। ये एकदम बेसिक सा है, और भी कुछ डिफाइनिंग डेफिनेशन हम दे सकते थे इसके बदले में ओके, बट ठीक है इतना जानते हो तो भी काफी कुछ है क्योंकि आगे आगे हम उसको और डिकोड करने वाले हैं। ओके